गाइस होप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। यहाँ पे आया है नया पार्सल जो कि आया है अभी क्लॉक वर्क की तरफ से है। और इसमें मैंने क्या चीज मंगाया है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ये जो आपने क्लॉक वर्क का आपने विजिट किया हो इसकी वेबसाइट, तो यहाँ पे आपने क्लॉक वर्क क्यू कंसोल तो देखा ही होगा, बट यहाँ पे गेम शेल किट भी ये लोग सेल करते हैं जिसमें इम्यूलेटर्स वगैरह चला सकते हैं। तो ये गेम शेल किट अभी मैंने मंगाई है, तो आज की वीडियो में जल्दी से इसको अनबॉक्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या क्या इसमें मिलते हैं, पार्ट्स वगैरह है, अलग अलग असेंबली करनी है इसकी। तो असेंबली वाली वीडियो तो अलग रहेगी, बट इसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, कैसे कैसे सीन रहता है इसका। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोर, कोर कुछ इस तरीके का दिखता है। कोर एक कीचेन है, ये मैं अभी करंटली खुद से सेल कर रहा हूँ। मेरे इंस्टा पे आप जाके मेरे को डीएम करो, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में अभी सेल कर रहा हूँ। इसमें पीछे एक न्यूडेनियम मैग्नेट है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, को एज अ फ्रिज मैग्नेट भी आप यूज कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे। यहाँ पे कहीं इंस्टा का मेरा आईडी लिखा होगा या फिर अपना डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टा का, वहां पे आप एक डीएम करो और इसको परचेज कर सकते हो वहां से। तो कुछ इस तरीके के पैकेज में आया है, काफी बड़ा बॉक्स है। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे मेरा ये इनवॉइस है और उस साइड पे मेरा शिपिंग डिटेल्स लिखे हुए, तो मैं आपको हाइड करके ही रखता हूँ। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाता हूँ एक और बॉक्स। इस बॉक्स को खोलते हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स निकला। बॉक्स के अंदर बॉक्स निकलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गेम शेल किट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेम शेल ओपन सोर्स पोर्टेबल गेमिंग कंसोल, और यहाँ पे ब्लॉक वर्क की ब्रांडिंग है। बैक साइड पे आपको कुछ डिटेल्स नीचे की तरफ दी हुई है, ओपन सोर्स हार्डवेयर, ओपन डिजाइन, हाईली हैकेबल एंड इजी असेंबली डिजाइन कुछ है, और बस यही कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। बैक एंड फ्रंट बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। ओपन करते हैं जल्दी से और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफी सारी चीजें मिलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है गेम शेल की असेंबली गाइड। ये कुछ असेंबली गाइड रहने वाली है, इसको पढ़ने की तो ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये कुछ प्लास्टिक का आई थिंक कुछ पैनल्स वगैरह है प्लास्टिक के, जो कि कट करके हमें यूज करने पड़ेंगे। असेंबली है रहने वाली है, तो पूरा कट करके हमें एक एक करके असेंबल करना पड़ेगा इसको पूरे को। ये भी कुछ असेंबली रहने वाली है, फ्रंट साइड की रहने वाली है, वो बैक साइड की थी। नेक्स्ट आपको कुछ हार्डवेयर्स मिल जाते हैं। ये हार्डवेयर्स आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रहने वाला है हार्डवेयर्स में। यहाँ पे कुछ केबल्स मिलती है, यहाँ पे बैटरी मिलती है, बैटरी रहने वाली है 1200 mAh की। नेक्स्ट आपको कुछ सब बोर्ड मिलते हैं, ये भी सब बोर्ड है, स्पीकर है, माइक्रो एसडी कार्ड है, स्क्रीन है, मेन मदरबोर्ड है, बाकी ये अपना कंट्रोलर हो गया, यहाँ जो अपना गेम पैड जिसको बोलते हैं अपना उसको रह गया, एंड ये चीज भी आई गेस बैटरी मॉड्यूल होगा। तो ये कुछ हार्डवेयर रहने वाले हैं, एंड हार्डवेयर की मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्या क्या हार्डवेयर में आपको मिलता है। जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है ये ऑलविनर का लगा हुआ है, ऑलविनर R16। तो ये कुछ प्रोसेसर रहने वाला है। बाकी ये नीचे अभी निकालता हूँ, डब्बा खाली हो गया इसका साइड में। हाँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें मिलती है। ये अपना फ्रंट पैनल हो गया, बैक पैनल हो गया, एक और बैक पैनल, दो बैक पैनल मिलते हैं। ये लेगो स्टाइल में है थोड़ा सा। ये कुछ की कैप्स वगैरह मिलती है, यहाँ पे भी की कैप्स वगैरह है। काफी प्रीमियम रहने वाला है, बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। तो कुछ ओवरऑल ये सारी चीजें इसमें निकली है, आपको दिखाता हूँ करके फिर से। कुछ बैक पैनल्स हैं, कुछ प्लास्टिक के पैनल्स हैं। नेक्स्ट आपको ये भी कुछ पैनल्स हैं, मतलब ये तीन तो आपको सारे प्लास्टिक के पैनल्स मिल जाएंगे जिसको आपको असेंबल करना पड़ेगा ओवरऑल। बाकी ये मेन हार्डवेयर रहने वाला है, हार्डवेयर जल्दी से आपको दिखाता हूँ हार्डवेयर आपको क्या क्या मिलता है। ये कुछ हार्डवेयर रहने वाला है, यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हो, ये अपनी नोकिया वाली बैटरी आती है ना, वो वाली बैटरी मुझे लग रही है। अच्छी बात है ये कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है वाली मार्केट में, अगर आप कभी खरीदते हो यू कंसोल या फिर ये सॉरी यू कंसोल कह रहा हूँ, आप अपना गेम शेल खरीदते हो इसका ब्लॉक पाई का, तो डेफिनेटली आपको बैटरी तो ये नोकिया वाली ही लग रही है, मुझे वही कॉम्पैक्ट साइज लग रहा है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब नोकिया वाली भी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपको एक और ही बोर्ड मिल जाता है, आई गेस कुछ बटन लगे हुए हैं तो कुछ बटन वाला ही बोर्ड होगा। नेक्स्ट एक और बोर्ड मिल जाता है, ये स्पीकर बोर्ड हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड, यहाँ पे स्पीकर से स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन का साइज मैं आपको बता देता हूँ कितना है, ये है 2.7 इंच की स्क्रीन है, ये छोटी सी स्क्रीन, ये 2.7 इंच की TFT पैनल रहने वाला है 60 FPS का, तो अच्छी बात है ये चीज, 60 FPS का आपको पैनल मिल जाता है। इसको मैं अपनी जगह पे रख देता हूँ। नेक्स्ट आपको ये मेन बोर्ड मिल जाएगा, मेन बोर्ड में आपको क्या क्या मिलता है जल्दी से बताता हूँ। यहाँ पे ऑलविनर का R16 मिल जाएगा, जो की क्वाड कोर का एक प्रोसेसर है, कॉर्टेक्स के
A7 CPU लगे हुए हैं, वाईफाई ब्लूटूथ आपको इसमें मिल जाएगा, 1 GB की DDR3 RAM मिल जाएगी जो कि माइक्रोन कंपनी की तरफ से है, ये माइक्रोन की चिप है। एंड नेक्स्ट आपको IT कंपनी की कुछ चिप लग रही है, IC लग रही है, आई डोंट नो क्या है ये। एंड पोर्ट्स की बात करते हैं तो पोर्ट्स में आपको यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाने की जगह मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ अपने ये जो कपलर्स लगाने के लिए जगह दी हुई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे माइक्रो यूएसबी तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी भी आपको मिल जाएगा। माइक्रो यूएसबी आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है, टाइप सी देना चाहिए वैसे तो, बट कोई नहीं, माइक्रो यूएसबी भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको माइक्रो HDMI मिल जाएगा, एक बटन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको स्क्रीन लगाने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी, यहाँ पे और कपलर मिल जाएंगे, यहाँ पे एक और कपलर मिल जाएगा, यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये कुछ हार्डवेयर रहने वाला है, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन मैंने बता ही दी है इसको कि इसमें कि आपको कॉर्टेक्स का क्वाड कोर का जो प्रोसेसर रहने वाला है वो ऑलविनर R16 रहने वाला है, जो कि क्वाड कोर का CPU है, कॉर्टेक्स के A7 CPU लगे हुए हैं, बाकी ब्लूटूथ वाईफाई इसमें नॉर्मल चीजें मिल जाती है, एक नॉर्मल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जैसा होता है वैसे ही। नेक्स्ट आपको ये आपको ना कंट्रोलर नीचे मिल जाता है, पैड जिसको बोलते हैं कीपैड। सो कीपैड की एक अच्छी बात बता देता हूँ, यहाँ पे एक अपना जो आर्डिनो में वो आता है ना माइक्रो कंट्रोलर आता है वो इनबिल्ट है, मतलब इसमें दिया हुआ है कि आप इसको रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड मतलब माइक्रो यूएसबी आपको मिलता है कि इसको आप अगर प्रोग्राम करना चाहो तो प्रोग्राम कर सकते हो, बाकी यहाँ पे कपलर्स वगैरह है इसको कनेक्ट करने के लिए, तो अच्छी बात है ये चीज। नेक्स्ट आपको ये चीज क्या मिलती है, हाँ ये है एक बैटरी होल्डर, ये आपको ये बैटरी होल्डर रहने वाला है। तो ओवरऑल ये सारी कुछ चीजें निकली है, आपको एक बार वेबसाइट के दर्शन करा देता हूँ। तो ओवरऑल ये कुछ चीजें निकली है, ये वेबसाइट में बता देता हूँ ये क्या है, वेबसाइट में क्या क्या मिलने वाला है। एंड प्राइसिंग मैं इसकी बता देता हूँ आपको, अभी करंटली है $130 का, आप देख सकते हो $130 का करंटली अभी चल रहा है। ये कुछ डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो ये सारी डिटेल, वीडियो पॉज करके। 32 GB की माइक्रो SD कार्ड है एंड बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, पॉज करके आप पढ़ लेना। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ इमेजेस दी हुई है, इसको असेंबल करूंगा एंड थोड़ा सा गेम वगैरह खेल के देखेंगे तभी इसमें मजा आने वाला है। अगली जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं जल्दी से इसको असेंबल करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या क्या इसमें मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है, चालू करके देखेंगे क्या क्या गेम्स वगैरह इसमें प्रोवाइड करी है कंपनी ने। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कोर। कोर एक बहुत अच्छा कंपेनियन बन सकता है आपका, रियल इंटेल का CPU है एंड काफी मजेदार है, सिर्फ और सिर्फ 350 में। मेरे इंस्टा पे जाके DM करो एंड वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो के लिए रखते हैं, टाटा बाय बाय।